साथियों नमस्कार। टेक्निकल हेल्पर कट ऑफ को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि टेक्निकल हेल्पर की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी इस बार। साथियों इस वीडियो में अपनी पूरी जानकारी के माध्यम से आप सभी को डिटेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा टेक्निकल हेल्पर के बारे में। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको टेक्निकल भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी वो अपने चैनल पर सबसे पहले आप सभी को बीच में रखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने कितने कितने मार्क्स बने एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना ताकि उसके बाद में जो भी आपकी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले आप कमेंट के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि वास्तव में कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है। ठीक है, चलिए अपने पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। ये दोस्तों एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक अनुमानित स्कोर है। लगभग इतनी जाएगी, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो साथियों सबसे पहले अपने बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, 103 से 106 के बीच जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। उसके बाद अपने बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी 101 से लेकर के 103 के बीच ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, अराउंड इतना ही रहेगा, लगभग 97 से 100 के बीच, इससे ज़्यादा अगर नहीं जाएगी। अगर आपके इतने नंबर है तो आप सेफ जोन में, आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, 95 से 98 के बीच ही रहेगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 90 से 94 के बीच रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। दोस्तों अगर इससे इतने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपने अपने मार्क्स, जो भी कैंडिडेट्स वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि वास्तव में बहुत से स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम बने हैं। इसी को लेकर के साथ ही ये कट ऑफ लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे की कोई भी अपडेट होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।